अस्तु मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मामृतं गम्या अमृतं गम्या अमृतं गम्या नाम सत्य है जीवन सत्य राम नाम सत्य है जीवन सत्य नाम सत्य है जीवन सत्य जाना पड़ेगा शमशान वह मिलेंगे बोले वह मिलेंगे बोले सब कहेंगे राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है या जीवन असत्य है सत्य है ये जीवन असत्य है राम नाम सत्य है ये जीवन असत्य है। अभी आ गए हम कल्याण भूमि में और बढ़िया तरीके से अपना जीवन जो है जियो और फुल मजे करो। और आगे अंदर नंदीशाला है जो आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। आज एकादशी है तो थोड़ा पुण्य भी करेंगे और साथ में वहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे चारा वगैरह डाल रहे हैं नंदी को। और नंदी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे नंदी लगभग 900 नंदी है। और साथ ही साथ इनको चारा डाला जाता है इस टाइम 11 बजे। और आज 11 का दिन है तो लगभग कल हमने सुना था यहाँ पे लगभग 2 ट्राली भर के गोभी के जो फूल आए थे और यहाँ पर डाले गए थे। और बहुत अच्छी तरह से इनकी सेवा की जाती है और इनके जो सेवादार हैं उनसे हम बात भी करेंगे, आपको मिलवाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने इन नंदी के लिए अगर 1 लाइक नहीं दबाया तो जल्दी से जल्दी 1 लाइक दबा दीजिएगा। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे आके हमने एक देखा कि ट्राली एक गोभी की आई हुई है और अभी इन्होंने उनको चारा वगैरह डाला है। और यहाँ पे हमारे साथ भैया है। भैया आपका नाम क्या है? प्रदीप सेतिया। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं तो जी सुबह यहाँ सेवा करते हैं जी। सेवा करते हैं। हाँ जी। यहाँ पे लगभग कितने नंदी होंगे अंदर? 900 के करीब हैं। 900 के करीब। हाँ जी। और मतलब ये जैसे हमारे गली वाले जो नंदी होते हैं उनको मतलब पकड़ के यहाँ पे लाया जाता है? हाँ, जैसे पशु मतलब नंदी ज़्यादा जाते हैं तो मोहल्लों मोहल्लों से आ जाते हैं नगर पालिका के थ्रू। और हमारे जैसे नंदी जैसे होते हैं ना तो वो गलियों में लड़ाई करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आने के बाद में लड़ाई करते हैं? यहाँ पर सब सेट हो जाते हैं। यहाँ पे सब सेट हो जाते हैं? यहाँ पर शुद्ध हो जाते हैं मतलब? हाँ, शुद्ध हो जाते हैं। और एक और बात है कि यहाँ पे जैसे अभी आपने ये चारा वगैरह डाला है और कुछ और कितने लोग हैं जो यहाँ पे सेवा करते हैं? यहाँ पर जैसे कि ये नंदी गौशाला कल्याण भूमि के अंदर बनी हुई है और इसमें 900 नंदी हैं और ये 3 गौशाला है, मतलब एक ओले वाली है और टाउन वाली है, ये भी नंदी गौशाला है। 3 गौशाला है, इनके तीनों का प्रधान हमारे मनोहरलाल जीवनसल हैं। और ये जो सारी सेवा चल रही है, ये जैसे हम सब्जी मंडी से सुबह सब्जी खरीदते भी हैं और डाणी से भी आते हैं, खेतों से भी आ जाती है सीधी डायरेक्ट, तो इनके लिए सुबह 3, 4, 5 जितने भी टेम्पू सब्जी के आ जाएंगे, गाजर गोभी वगैरह फ्रेश सब्जी, और वो सुबह हम इन गायों पशुओं को नंदी भगवान को सबको डाल के फिर जाते हैं। अभी यहाँ पे जैसे ये ट्राली आई थी और अंदर जो जिनसे इन्होंने खरीदा है वही माल यहाँ पे जाके डाल के आए हैं, तो उनके बारे में कुछ बता दीजिए। ये जो भैया लोग जो खेतों से गोभी और पत्ता लेके आ रहे हैं, ये कोई कमाई नहीं कर रहे, ये सिर्फ सेवा में लगे हुए हैं। मान लो हमने इनसे 200 रुपये कुंटल भी लिया तो 200 रुपये की लेबर लग जाती है, जो माली वगैरह कटिंग का काम करते हैं ना, तो ये तो कहते हैं चलो ये हरा है जो ये नंदी सब खा जाएंगे, इनका पेट भर जाएगा। अब जैसे हमारा ये टेम्पू आया इसमें बिल्कुल फ्रेश गाजर आई है सब्जी से, सब्जी मंडी से, तो ये भी अभी इसी नंदी गौशाला में आई है। एक हम इनसे बात करेंगे। भैया आप जैसे अभी भैया ने बताया कि आप वहाँ से लेके आते हो, आपको कुछ बचता नहीं है, फिर ऐसा कैसे चलेगा? हम तो सेवा भावना से लेके आते हैं। अच्छा।
भी खेत में नष्ट करने से अच्छा है किसी के जानवर के मुंह में चला जाएगा। सही बात। यहाँ पर आके पता चला है भी इनको बहुत सेवा होती है, इसलिए हमने भी इसके सेवा में हिस्सा डाला है। आप सब एक साथ आते हो? हाँ जी, हम एक साथ आते हैं। आज दूसरा दिन है, कल भी आए थे और आज भी आए। कटिंग में लग जाता है। और कल भी आप ये गोभी लेके आए थे? हाँ जी, कल भी दो गोभी लेके आए थे। दिन में काटते हैं और सुबह भर के ले आते हैं। तो आपको ये सब काम करके कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा महसूस होता है, सेवा भावना से करते हैं ये। और आप सब एक बात जानते हो, कल्याण भूमि जो है जीवन का आधार है। मतलब लास्ट में आपको यहीं पे आना हो, तो आप सब वो सब कुछ छोड़ दीजिए जो आप कर रहे हैं और जीवन को बढ़िया तरीके से जिए। और एक कल्याण भूमि के बारे में आपको कुछ अपने बारे में बताइए। और क्या आप मतलब यहाँ पे आते हैं, कभी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ मेरे यहाँ पे आने के बाद में कुछ ऐसा अच्छा असर हुआ हो? नहीं, देखो वहाँ में तो मेरे को तो यहाँ कम से कम भी 20 साल हो गए काम करते को, सेवा करते को। और यहाँ हमारे क्या है, जैसे मैं, हमारी जो टीम है वो लावारिस दाग भी करती है, तो जिनका कोई नहीं होता करने वाला या कोई, तो उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है यहाँ दाग करते हैं। हम तो काफ़ी साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जो सुबह सुबह हम यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। और पेड़ों के बारे में आपका क्या है कि पेड़ अब कितने के हैं? और पेड़ भी यहाँ पर पूरी ग्रीन है। मतलब जो कोई सूख जाता है उसको निकालते हैं, बाकी सारा ग्रीन है पूरी यहाँ पर। इन नंदी के लिए ये हरा भी हमने यहाँ लगा रखा है, जो कि ये बड़ा हो जाता है तो इन नंदी के लिए। और रात को यहाँ पे कोई रुकता है क्या? यहाँ पर ऐसे 3-4 परिवार रहते हैं जो इसकी कल्याण भूमि की, नंदी गौशाला की, सब की देख रेख करते हैं। यहाँ पे मतलब डर वाली चीज नहीं है, एक परसेंट भी डर नहीं है यहाँ पर। तो भले आप रात को बैठ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सेफ जगह यही है। वैसे एक चीज़ हम देख रहे हैं कि देखो कितनी लंबी कतार में लगे पड़े हैं, बिल्कुल भी इनमें सिंसियरिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आकर के हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया है देख करके कि इतने सारे नंदी। नंदी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम घर पे भी मतलब 2 या 3 नंदी हम रखते हैं और वो आते हैं, हम उनके लिए हरा भी लाते हैं और उनको खिलाते भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे इतने सारे नंदी देख करके मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। और ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा नंदी है, अनिल भी इसको प्यार कर रहा है। भैया ये अभी अभी ट्राली ले कर रखे आए थे। और भैया आप अभी अभी कुछ कह रहे थे, वो बताइए। के खेत में पड़ा तो ये खराब ही होता है, इससे अच्छा तो यहाँ पे पशुओं के मुंह में जाता है या किसी का पेट भरता है, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। भाई के खेत में था ये जो गोभी थी, तो ये मतलब जैसे सारी की सारी बिक जाती है, उसके बाद में जो बचता है नहीं, वो बच्चा तो या ना हो, जैसे कि हमने जितनी बेचनी थी बेच ली, ठीक है। अब जितना भी है, जैसे कि गऊओं को डालने के लिए हम स्पेशल रख देते हैं उसके अंदर। अच्छा। अब इसके अंदर फूल भी है गोभी के और जो पत्ते हैं वो भी है। मतलब शुरू में जो अपने खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ एक भाग गऊओं के निकाल देते हैं ना, तो वैसे ही भैया ने अपने खेत में से गऊओं को और गोदों को निकाल करके अलग ही रख दिया था कि हम इनको खिलाएंगे। तो भैया के लिए एक लाइक जरूर बनता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये अभी भी एक टेम्पू के अंदर, और टेम्पू अंदर जाने के बाद में वो गाजर उसके अंदर है और वो सब इनको दी जाएगी और ये सभी आराम से फुल मज़े में गाजर को जिमेंगे और मज़े मारेंगे। ये गलियों में तो इधर उधर घूमते रहे। मानगढ़ टाउन से ही ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आपके शहर में, आपके गलियों में अगर नंदी घूम रहे हैं बेले, तो बेले घूमते हैं वैसे तो, और इनको यहाँ पे आप सूचना दे सकते हो, ये यहाँ पे पकड़ कर ले आएंगे। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ इनको डोनेशन भी कर सकते हो आप यहाँ पे आकर के, और अपनी सेवा भी दे सकते हो। थैंक यू।